दोस्तों, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि भैया ये पेरीडोलिया क्या होता है, तो आप तो सोचने लग जाओगे, यार ये पेरीडोलिया क्या होता है, ये कहाँ से निकल के कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं यार। पेरीडोलिया, पेरीडोलिया आपने पहली बार कुछ लोगों ने ये शब्द सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पेरीडोलिया क्या होता है और ये इंसान को क्यों दिखता है। तो देखो, आपने बादलों में कोई घोड़ा बना हुआ देखा होगा, या भैया शेर बना हुआ देखा होगा, या आपने ये देखा होगा कि भगवान साक्षात बादलों में आ गए हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं, या आपने ये देखा होगा किसी फल या सब्जी में आपने भगवान का चेहरा देख लिया होगा, या आपने किसी फूल पत्ती में किसी इंसान के होंठ या किसी इंसान का चेहरा देखा होगा, या भैया किसी पेड़ पे आपने कोई अलग ही आकृति देख ली होगी। तो इस प्रकार का जो चीज मनुष्य को दिखता है ना, इसी को कहते हैं पेरीडोलिया। और ये जो चीज होता है ना, ये जो चीज दिखता है ना, ये किसी को बीमारी नहीं होती। मतलब ये अगर कोई सोचता है कि मुझे बहुत ज्यादा दिखती है तो ये मेरे अंदर बीमारी है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। ये हर एक इंसान को दिखता है, किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा दिखता है और किसी इंसान को कम दिखता है। अगर इसको मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य को किसी भी चीज में अर्थ ढूंढना या दिखाई देना ही पेरीडोलिया कहलाता है। और ये बहुत ही आसान सा एक लाइन का परिभाषा हो गया आपके लिए कि आप किसी को बता सकते हो कि पेरीडोलिया क्या होता है। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि पेरीडोलिया क्या होता है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।